तो जी अपने आप में एक इतिहास रखा जचा जा चुका है, जो शायद किसी ने सोचा नहीं था वो हो गया है। बांग्लादेश वुमेन्स की टीम ने इतिहास में पहली बार इंडिया वुमेन्स की टीम को जो है वो मात दे दी है। इससे पहले जो सीरीज का तीसरा T20 मैच था वो भी बांग्लादेश वुमेन्स ने जीता था, लेकिन आज इस मुकाबले में सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इंडिया वुमेन्स की टीम को अगर आप देखें मात्र 153 रन आपको वहां पर बनाने थे। कोई भी बल्लेबाज आपके वहां पर हो, प्रिया पुण्या और स्मृति मानधना जिन्होंने शुरुआत की, या फिर हरमनप्रीत कौर, जिम एम आर रॉड्रिग्स हो आपके लिए, दीप्ति शर्मा हो, यस्तिका भाटिया हो, कोई भी बल्लेबाज आज आपके लिए परफॉर्म नहीं कर पाया है। बहुत ज्यादा शर्मनाक दिन ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया वुमेन्स के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश वुमेन जिनको आप हरा सकते हैं, और ये भी नहीं है कि बांग्लादेश वुमेन ने बहुत ज्यादा अच्छा कुछ परफॉर्मेंस किया था। पहली पारी में सिर्फ 152 रन बनाए थे। डेब्यूडेंट अमनजोत कौर ने गेंदबाजी अच्छी की थी, उन्हें 4 सफलताएं मिली। दीप्ति शर्मा को 1 विकेट मिला था वहां पर। देविका वैद्य को 2 सफलताएं मिली थी। बॉलर्स ने एक बार फिर वहां पर काम अच्छा किया, लेकिन एक बार फिर से बैटर्स ने पूरी तरह से जो है वो आपको डिसअपॉइंट किया है। बहुत शर्म की बात है। अगर आप T20 मैचेस भी देखें जो बीते थे, पहले T20 मैच में टीम इंडिया जीती, वहां पर आपका 115 का टारगेट था, वो आपने बना दिया। दूसरे T20 मैच में आपने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 95 बनाए, उसके अगले T20 मैच में आपने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ वो 102 रन बनाए थे। आज तो जी आपके पास 44 ओवर थे, 44 ओवर थे, सामने ना कोई टीम थी आपकी ऑस्ट्रेलिया जैसी, इंग्लैंड जैसी, जो इस समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, जहां पर उनका इस समय ओडीआई मैच चल रहा है जरूर, लेकिन इंडिया वुमेन्स की टीम को बांग्लादेश वुमेन से हार का सामना करना पड़ा है। नितिन, शायद किसी ने सोचा नहीं था इस पूरे टूर पे जो भी हमारी इंडियन वुमेन्स की टीम है पूरी तरह से सभी ने आपको डिसअपॉइंट किया है। एग्जैक्टली, हर किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया है। चाहे आपने जैसे अभी बताया कि जो इससे पहले T20 सीरीज हुई थी उसके तीसरे मुकाबले में भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था वहां पर, और उस सीरीज में भी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ही रही थी। पहला मैच आपने जीत लिया, उसके बाद आपने रन बहुत कम बनाए, और इस मुकाबले में आपको चाहिए क्या था भाई? आपके बॉलर्स ने सब कुछ कर दिया, अमनजोत कौर और डेबी पर उन्होंने 4 विकेट ले डाले, उसके बाद ये आपने क्या किया? आपको सिर्फ और सिर्फ 152 रन चाहिए थे, 152 रन चाहिए थे पूरी T20 सीरीज में। तो चलो नई बैटिंग चली, वहां पर 20 ओवर के गेम होते हैं, वहां पर टाइम नहीं होता, यहाँ तो टाइम ही टाइम था। 152 रन और 44 ओवर, 20 ओवर में रन बन जाते हैं 152, और 44 ओवर में आपको 152 रन बनाने थे। ये बैटिंग लाइनअप रहा, बैटिंग स्कोर का टीम इंडिया का। प्रिया पुनिया 10 रन 27 गेंद, स्मृति मंदाना 11 रन 12 गेंद, यास्तिका भाटिया 15 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर इस दौरे पर क्या कर रही है समझ ही नहीं आ रहा, रन ही नहीं आ रहे उनके। 5 एक मैच में है, पहले T20 मैच में वहां पर उन्होंने जितवाया, लेकिन उसके बाद से लगातार उनके रन नहीं आ रहे, स्मृति मांदना के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं पूरी तरह। सिर्फ एक हरमनप्रीत कौर की उस एक नॉक को छोड़ के आप देखेंगे, भला वो जेम एम आर रॉड्रिग्स हो, उनकी तरफ से आपको कोई भी परफॉर्मेंस अभी तक इस पूरी T20 सीरीज में जो वो खास देखने को नहीं मिला है। उसके अलावा भी अगर आप नितिन यहाँ पर बाकी सभी नाम देखें, भला वो मिडल ऑर्डर में दीप्ति शर्मा, हालांकि उन्होंने 20 रन बनाए, सर्वाधिक रन स्कोरर दीप्ति शर्मा है, लेकिन आज एक भी पार्टनरशिप जो है वो हमारे बल्लेबाजों की ओर से हमें होते हुए नजर नहीं आई है। सारा स्कोर कार्ड जिस समय आप सभी की स्क्रीन पर है, अमनजोत कौर ने 15 रन बनाए, सुनील राणा शून्य पर आउट हुई, देविका वैद्य 10 रन उन्होंने बनाए, फिर पूजा वस्त्रकर की तरफ से 7 रन, हालांकि गेंदबाज हैं बेरेडियन उषा, ये भी डेब्यूडेंट थी, गेंदबाजी में इनसे सिर्फ 1 ओवर करवाया गया, बल्लेबाजी इन्होंने 11वें नंबर पर आकर की है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक सोचने योग्य बात आ जाती है कि कैसे आप जो है पूरे के पूरे सिनेरियो को यहां से देखते हैं। जरूर टीम इंडिया को जो है वो यहां पर हार का सामना करना पड़ा है, बड़ी शर्मनाक हार टीम इंडिया के लिए, इतिहास में पहली बार जो है वो मात दी है। नहीं, इतिहास में पहली बार बांग्लादेश की टीम ने आपको हराया है, और सबसे बड़ी बात, चलो हार गए वो एक ठीक है अलग बात है, लेकिन किस तरीके से आप हारे हो यार, 152 आपने चेज करने थे और आप महज 113 रन पर ऑल आउट हो गए। 113 रन पर आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप में अगर 20 रन बनाए हो, वो भी हाईएस्ट स्कोरर हो दीप्ति शर्मा, भाई आपने बल्लेबाजी क्या की है? 10 ओवर 10 रन इस मैच में प्लेइंग 11 में नहीं मौका मिला, पूरी T20 सीरीज में शेफाली वर्मा के रन नहीं आए, स्मृति मांदना की तरफ से सिर्फ वो एक दूसरे T20 मैच में जब 4 ओवर में लगभग 33 रन टीम इंडिया ने बनाए थे, उसके उसी मैच में थोड़ा सा 30s कुछ उन्होंने शायद उस मैच में बनाए थे, पूरे पहली विकेट के लिए पार्टनरशिप थी।
वहां पर शेफाली वर्मा और स्मृति मानधना की, उसके बाद से अभी तक इस पूरी ही सीरीज में जो है वो आउट ऑफ टच में दिखी है स्मृति मानधना। बिल्कुल आउट ऑफ टच, आप देखो स्मृति मानधना सब, देखो इस लाइनअप में आप देखें तो सबसे बड़े बैटर्स कौन कौन है, एक तो आपने शेफाली को नहीं खिलाया क्योंकि खराब फॉर्म रही है, शायद ड्रॉप किया आपने, उसके बाद स्मृति मानधना और हरमनप्रीत कौर, ये आपके सबसे दो बड़े बैटर्स हैं, फिर उसके बाद जेमिमा रोड्रिक्स और नीचे आके दीप्ति शर्मा जो है आपके लिए ऑलराउंड प्रदर्शन करती हैं। लेकिन आपके जो बड़े बैटर्स हैं, प्रिया पुनिया को वहां पर मौका मिला, 10 रन उन्होंने बनाए, स्मृति मानधना 11 रन बनाकर सबसे पहली विकेट बनी हुई, उसके बाद आपकी टीम ने तो ऐसे घुटने टेक दिए, यास्तिका भाटिया हो रुकी वहां पर 15 रन उन्होंने बनाए, हरमनप्रीत कौर का समझ नहीं आ रहा है। तो कोई भी बैटर ले देके, चाहे सीनियर प्लेयर हो चाहे जूनियर प्लेयर हो या यंगस्टर हो, किसी ने भी यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको नहीं दी। और सबसे बड़ी बात हैरान करने वाली ये है कि आप बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे हो, और दूसरी ये कि आप 152 रन नहीं बना पाए, ये चल क्या रहा है, ये कौन सी क्रिकेट चल रही है, जरा समझ में नहीं आ रही है। चाहे भले ही वुमेन्स टीम हो, लेकिन इतनी बड़े बड़े मैचेस वुमेन्स टीम ने जीते हैं, फाइनल्स खेले हैं वर्ल्ड कप के, वर्ल्ड कप्स में क्वालिफाई करती है, और वहां पर आप यार इतने, इससे ज्यादा स्कोर तो हाईएस्ट हरमनप्रीत कौर का ODIs में है, तो ये आई थिंक वही चीज चल रही है कि अब आपने यहाँ पर भी शायद ट्रांजिशन देख रही होंगे, जो मर्जी बोल लें, लेकिन बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस, बहुत ही खराब। बड़ी टीम होती ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के सामने, न्यूजीलैंड के सामने इस तरीके की परफॉर्मेंस तो भी चलो चल जाती कि हाँ चलो उन्होंने आउट क्लास कर दिया आपको। बांग्लादेश की टीम आपसे कहीं ना कहीं, अगर आप स्टैंडर्ड देखें, बड़े नाम आपके पास है, नहीं ठहरती आपके सामने, हरमनप्रीत कौर हो या यास्तिका स्मृति मानधना हो, जेमिमा रोड्रिग्स हो, उसके बावजूद इस तरीके से आ रही है, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। अगर नितिन देखें भी तो बांग्लादेश की टीम एक, उसमें कुछ बड़े बड़े नाम नहीं है कहीं ना कहीं पे, बल्लेबाजी के अंदर उनकी कप्तान एकर सुल्ताना की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस, और खातून ने गेंदबाजी के अंदर जो है एक बार फिर अच्छा परफॉर्मेंस किया, ले देकर वही 2-3 नाम है जिनके इर्द गिर्द वो T20 साइड में घूम रहे थे, वो यहाँ पर भी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन जो शायद सबसे ज्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट होगी वो जरूर स्मृति मानधना के लिहाज में, यहाँ पर हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स आप यहाँ पर देख लीजिए, का भाटिया वो भी अब आपको स्टेप अप करना है ना यार, हमेशा कितनी देर तक जो है वो हरमनप्रीत और स्मृति मानधना के कंधों पर ही यहां पर आप सभी मैचेस खेलते रहेंगे, आपको बाकी भी खिलाड़ियों को जो है वो स्टेप इन करना है। मिडिल ऑर्डर में आप देखें, भला वो हरलीन देओल को T20 मैचेस में मौका मिला था, उन्होंने वहां पर नहीं परफॉर्मेंस किया, शेफाली वर्मा आउट ऑफ टच है, प्रिया पुनिया को यहां पर जो है जरूर एक चांस दिया जा रहा है, क्योंकि वुमेन्स टीम की अप्रोच हमेशा से हमने देखी है इस T20 सीरीज में भी, जिस तरह से बेरेडी अनुषा हो या फिर मीनू मानी हो, इन सबका डेब्यू हुआ था उस T20 सीरीज में, आज भी 2 डेब्यूटेंट्स खेले, तो मतलब आप बांग्लादेश की सीरीज से ये अप्रोच रख रहे हो कि आप यंगस्टर्स को डेब्यू करवाओगे, नए चेहरों को मौका दोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि नए चेहरों को मौका देने के बिना में आप ऐसी इजी मैचेस ही हार जाएं। ऑब्वियसली यार आपने नए चेहरों को मौके देने, ठीक है आप बांग्लादेश के गेंस गए हो, अभी जो आपके नए चेहरे हैं यंगस्टर्स हैं उनको मौका देना चाह रही है, क्योंकि आप समझते हो बांग्लादेश एक वीकर साइड है, तो वो नए चेहरे भी तो कुछ यार दम दिखाएं, आप चाहे प्रिय पुनिया को खिलाओ चाहे यास्तिका भाटिया को खिलाएं, आप जैसे अब बॉलिंग में देखो बॉलर्स ने तो अपना पूरा काम किया, अमजोत कौर हो चाहे स्नेहा राणा हो या देविका वैद्या हो, सबने अपना काम किया, तो बैटर्स क्या कर रहे हैं वहां पर भाई, जो नए बैटर्स हैं जैसे प्रिया पुनिया, उनको अपनी जगह अगर टीम में सीमेंट करनी है, जेमिमा रोड्रिग्स हैं, अगर उनको क्या कहते हैं और अच्छी पोजीशन पर जाना है अपने करियर में, तो भाई रन बनाने पड़ेंगे, टीम को जिताना पड़ेगा। स्मृति मानधना, हरमनप्रीत कौर हैव डन इनफ, उन्होंने बहुत कर चुके हैं, वो मैचेस निकाल चुके हैं टीम इंडिया के लिए, है ना, कैप्टन वाइस कैप्टन है, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन साथ में कभी तो आपके जो है मिडिल ऑर्डर आपको मैच जितवाएं, क्योंकि मुझे अपने जहन में कोई मैच नहीं याद आता जहां पर मिडिल ऑर्डर की दमखम के ऊपर आप मैच जीते हैं। ये T20 सीरीज भी आप देखें, अगर टॉप ऑर्डर ने रन बनाए तो बढ़िया, जो जहां पर आपको 115 रन बनाने थे वहां पर हरमनप्रीत कौर ने आप सेंचुरी बनाई, उसके अलावा जो 2 मैचेस में आपने पहली बैटिंग करते हुए रन बनाए आपकी तरफ से नहीं आए, पूरा क्रेडिट यहां पर बांग्लादेश के गेंदबाजों के, बांग्लादेश के गेंदबाजों के, आज मारूफा अख्तर गेंदबाज, उन्हें यहां पर 4 सफलताएं मिली, बाकी सबको भी जो है वहां पर वो 1-1, 2-2 सफलताएं मिली, राबिया खान को वहां पर 3 सफलताएं मिली, मतलब बांग्लादेश के लिए भी अपने आप में काफी बड़ी अप्रिसिएशन है यहाँ पर नितिन, जिस तरह से उन्होंने एक ये हारे हुए मैच को जीत में तब्दील किया, भला वो अगर आप दूसरा तीसरा T20 मैच देखे उनकी भी वहां पर जीत थी, जिस तरह से दूसरा T20 मैच वो अंत में क्लोज जाकर हारे थे, वहां पर 96 का टारगेट था, वो मैच में भी तकरीबन 27 रन रह गए, अंत में एकदम से आप चौकआउट हो गए, वो जरूर एक पॉइंट है, लेकिन एक तरफ बांग्लादेश की टीम
जिसने शायद किसी भी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट में आज तक उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया, और एक तरफ इंडिया की टीम जिसने कॉमनवेल्थ में सिल्वर जीता, आप देखें एशिया कप आप जीत कर आए, वर्ल्ड कप फाइनल्स खेले हैं, इसमें आपने अच्छा किया है, वर्ल्ड कप फाइनल्स आपने खेले हैं, तो ऐसे में आप नहीं चाहते हैं कि आपकी वुमेन्स की टीम का ग्रेड गिरता जाए जो आपको गिरता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस बांग्लादेश के टूर में अभी सिर्फ उस पहले T20 मैच में थोड़ी डोमिनेंस थी, हालांकि वहां भी आपने विकेट खो दी। पता क्या है, यहाँ पर इस पूरे टूर को अगर आप देखें, बॉलिंग ने आपको इंप्रेस किया, चाहे यंगस्टर हो चाहे आपके एक्सपीरियंस बॉलर्स हो, बॉलर्स ने आपका किया, क्योंकि बांग्लादेश की जो बैटिंग साइड है वो इतनी खास नहीं है, लेकिन आपकी जो बल्लेबाजी है वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गई, या तो कहें कि स्पिनर्स आप नहीं खेल पा रहे हो, पेसर्स पर आपका ध्यान नहीं है, या फिर आपने इस पूरे टूर को जो है, इस पूरे दौरे को आपने बहुत ही कैजुअल लिया कि बांग्लादेश ये कुछ है हमारे सामने, कुछ नहीं कर सकते, एक भी मैच में आपने डोमिनेंस नहीं दिखाई, या ऐसा लगाओ कि हाँ भाई टीम इंडिया खेल रही है और यहाँ पर बांग्लादेश की टीम खेल रही है, एक भी मैच में ऐसा हमें देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पर आप करने क्या गए थे। और सबसे बड़ी बात, जब आपको टेस्ट करना है अपने आप को, या जब आपको चाहिए, जब आप एक ऐसे दौरे पर जा रहे हो जो टीम आपके शायद बराबर नहीं है, तो वहां पर भी ऐसी परफॉर्मेंस तो आती नहीं है कि बिल्कुल मरी गिरी परफॉर्मेंस। आप पहले T20 के बाद आप देखें, जो दूसरा T20 मुकाबला था वो बहुत क्लोज हो गया था, वो मैच आप जीत गया, आउटस्टैंडिंग आपकी बॉलिंग रही वहां पर। तीसरा मैच जिस तरीके से आप हारे, ये चौथा, ये भी आप मुकाबला, आई मीन 150 रन और आपने 113 पर घुटने टेक दिए, बोले तो बोले, करे तो करे कि भाई ऐसा परफॉर्मेंस जो है वो टीम इंडिया वुमेन्स की तरफ से आएगा, भला वो आपकी बैटिंग देखे ना कितनी डीप तक आपके पास बल्लेबाजी है, देविका वैद्या तक आपके पास वहां गए ना कि बल्लेबाज मौजूद, प्रिया पुनिया बल्लेबाज आपके पास, स्मृति मंदना आपके दोनों सलामी बल्लेबाज, यस्तिका भाटिया को आज नंबर 3 पर ट्राई किया गया, अमूमन तौर पर जेमी रॉड्रिग्ज, हरमनप्रीत कौर, यस्तिका भाटिया यही मिडल ऑर्डर में अक्सर शफल करती रहती है, और उसके अलावा भी आप देखेंगे यहाँ से दीप्ति शर्मा का नाम जरूर ऑलराउंडर है, लेकिन गेंदबाजी के साथ भी यही कार्य करे, बल्ले के साथ भी यही कार्य करे, तो बाकी के ऊपर के 5 के नाम क्या करने आए हैं, इनको भी यहां पर एक जो है वो परफॉर्मेंस पुट इन करके दिखानी चाहिए थी। T20 सीरीज भी हमने आपके साथ जो है वो स्पोर्ट्स सीआरई पर लगातार कवर की, उस T20 सीरीज में भी यही हम सभी ने देखा कि जो शायद उम्मीदें नहीं थी आपको, वो उम्मीदों के विपरीत जाते हुए इंडियन परफॉर्मेंस यहां पर हो रही है। जब ये सीरीज का अनाउंसमेंट हुआ था भाई, हमें भी ऐसा लगा था कि बांग्लादेश है तो बहुत इजीली डोमिनेटिंग वे में जो है वो इंडिया आपको यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आएगा, कोई दिक्कत जो है वो इंडिया को आएगी नहीं, लेकिन डोमिनेशन जो है वो नेगेटिव एंगल में जा रही है। बांग्लादेश अगर T20 सीरीज हारा भी था ना, बांग्लादेश ने वो T20 सीरीज इंडिया को ट्रबल करके हराई थी, नहीं ऑब्वियसली अपने आप में इसको लेकर जीत है। आप दूसरा गेम देखें जिस तरीके से, आई थिंक हम 96 है किसी पे ऑल आउट हो गए थे, 95 उसके बाद वहां तक पहुंच गए थे उस गेम में, फिर आप देखें अगला गेम जिस तरीके से हारा इंडिया की टीम ने, 100 के पास आपने रन्स दिए, उसके बाद वो चेज हो गए, और ये गेम में तो हथियारी डाल दी इस पूरा, आप वो देखें ना कि आपकी बॉलिंग ने तो एक्सेप्शनली परफॉर्मेंस की है, अगर आप चाहें वो मैच जिस दूसरा T20 जीतने की बात हो, यहाँ पर भी 150 पर टीम को रोक दिया, लेकिन आपकी बल्लेबाजी क्या कर रही है, चाहे सीनियर प्लेयर्स हो, स्मृति मंदाना फ्लॉप पूरा टूर, पूरे दौरे पर अभी तक, उसके बाद हरमनप्रीत कौर फ्लॉप, जेमेमन रॉड्रिग्स फ्लॉप, प्रिया पुनिया इस मुकाबले में फ्लॉप, उससे पहले शेफाली वर्मा, तो आपकी पूरी टीम, और ऐसा नहीं है कि आपने यंग टीम भेजी है भाई, आपके सारे शेफाली वर्मा को एक्सपीरियंस हो चुका है, स्मृति मंदाना एक्सपीरियंस्ड है, हरमनप्रीत कौर एक्सपीरियंस्ड है, जेमिमा रॉड्रिग्स को काफी टाइम हो गया है, लगातार सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, तो ऐसा नहीं है कि आपने यंगस्टर्स की टीम भेजी है, यंग प्लेयर्स की टीम भेजी है, आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स वहां पर खेलने गए, और बांग्लादेश के अगेन ये जो मैं बोलूंगा कि बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रही है अभी तक इंडियन वुमेन्स टीम की, और अब यहां से ये पहला मैच आप हार चुके, आई थिंक 3 मुकाबलों की ओडीआई सीरीज होगी, तो इसमें अगले 2 मैचेस और स्पेशली अगले मैच में कैसी वापसी रहने वाली है पता नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉलिंग तो ठीक कर रही है लेकिन आपकी बैटिंग बहुत ज्यादा निराश कर रही है, बैटिंग बहुत ज्यादा आपको निराश कर रही है नितिन, बिल्कुल इसमें कोई क्वेश्चन मार्क रहा नहीं है। इस पूरी T20 सीरीज में जो हमने अभी तक यही देखा है कि बल्लेबाजों की तरफ से वो एक जो बड़ा शो जो आप कहते हैं, जो आप कहते हैं कि स्टेप इन करना पड़ेगा बल्लेबाजों को, वो काफी ज्यादा जरूरी है। अभी 3 ODI मैचेस की सीरीज है यहां से, ये बड़ा पॉइंट रहेगा, बल्लेबाज जो इससे पहले T20 सीरीज में भी लगातार निराश करते आए हैं, क्या वो निराशा से अब आगे बढ़ पाएंगे या फिर नहीं बढ़ पाएंगे, क्या ये ODI सीरीज इंडिया इसमें कमबैक कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह की
बल्लेबाजी चलते आ रही है, ये नहीं कि आज इंडिया के एक दिन खराब था। अगर आप पूरी T20 सीरीज का भी ओवरव्यू देखें और इस ओडीआई को भी देखें, पूरी तरह ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक खराब परफॉर्मेंस का शो जो है वो पुट इन हो रहा है। उम्मीद रहेगी दूसरे तीसरे ओडीआई में टीम इंडिया एक अच्छा कमबैक करते हुए हमें नजर आए, बल्लेबाज जो है वो पुट इन करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि गेंदबाज कुछ नहीं खराब कर रहे हैं। अगर बॉलर्स यहां पर 153 के ऊपर एक टीम को रोक देते हैं या फिर आप कहेंगे ऑल आउट ही कर देते हैं, क्योंकि आज रेन इफेक्टेड मैच था, 44 ओवर्स का मैच था, 43 ओवर्स के अंदर 153 पे ऑल आउट कर दिया, और उसके बाद भी अगर बल्लेबाज नहीं कर पाए तो गेंदबाजों के लिए अभी भी तालियां हम जरूर कहीं ना कहीं बचाएंगे, लेकिन बल्लेबाजों से हाथ जोड़कर यही भाई बेनती करेंगे कि आप रन्स बनाएं। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानधना जब बाकी नहीं चलते हैं तो जरूर सीनियर्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। स्मृति मानधना जरूर इस समय बड़ा क्वेश्चन मार्क, देखना होगा शेफाली वर्मा अगले मैच में उन्हें खिलाते हैं या पीएल पुनिया के साथ अभी भी सस्टेन किया जाता है, ये कहना कि बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, और देखेंगे क्या वुमेन्स की टीम अब कमबैक इसके बाद करने में सफल हो पाएगी या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए हम आपसे लेते हैं इजाजत, जरूर लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्पोर्ट्स यारी के चैनल को।